भिंड के जिला अस्पताल में ओपीडी व्यवस्था को ठीक करने के लिए मरीजों के लंबी लाइन बचने के लिए अस्पताल से आज टोकन सिस्टम शुरू कर दिया गया है। अब डॉक्टरों के पास मरीज दिखाने सीधे नहीं जा सकते, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। नंबर आने के बाद ही आप डॉक्टरों को दिखाया जा सकता है। कैसे लिया जाएगा टोकन, इसके बारे में मैं आपको समझाते हैं। दरअसल इंदौर अस्पताल में 1500 के आसपास ओपीडी की संख्या पहुंच रही है। ऐसे में मरीज को पर्चा बनवाने के लिए लंबी लाइन लगानी होती है, जिसे अस्पताल में व्यवस्था नहीं संभाल पाती। ऐसे भीड़ को कम करने के लिए अस्पताल प्रबंधक ने एक नया मैनेजमेंट शुरू किया है। ऐसे में क्यूज मैनेजमेंट सिस्टम शुरू कर दिया गया है, या यूं कहें टोकन सुविधा शुरू की गई है। अब आने वाले मरीजों को टोकन लेकर बैठना होगा, जिसके बाद नंबर आएगा तभी आप डॉक्टरों को दिखा पाएंगे। भिंड जिला अस्पताल में अगर आप दिखाने जा रहे हैं तो यहाँ LED टोकन मशीन डिस्प्ले लगाई गई है। मशीन की स्क्रीन को आप टच करेंगे तो आपको टोकन मिल जाएगा, जिस पर नंबर लिखा रहता है। पंजीयन के दौरान ओपीडी काउंटर पर पर्ची बनवाई जाएगी, यह पर्ची स्क्रीन पर दिखाई जाएगी, जिसमें टोकन नंबर के अलावा डॉक्टर का रूम नंबर नाम भी डिस्प्ले होगा, जिस पर आप अपना इलाज कराने के लिए जा सकते हैं। दरअसल अभी तक अस्पताल में पहले नंबर लगाने के लिए तमाम राजनीतिक लोग दबाव डालते नजर आते थे। अब टोकन सुविधा होने के बाद डॉक्टरों के पास राहत मिलेगी, साथ ही अन्य परेशानियां से भी डॉक्टर लोग बच पाएंगे। जी सर, जैसे कि RMO बनने पर सर क्या निर्देश दिए हैं, कैसे क्या सुविधाएं रहेंगी? RMO बनने के बाद सबसे पहले अपना जो प्राथमिकता रहेगी वो यहाँ की जो सपोर्ट सर्विसेज हैं, सफाई, सुरक्षा, किचन, सभी मरीजों को समय पर भोजन मिले, शुद्ध भोजन मिले, सफाई व्यवस्था अच्छी हो, मरीजों के को असुविधा ना हो। उसके बाद सिक्योरिटी जो है, सुरक्षा व्यवस्था, उसके पुख्ता इंतजाम हो, यहाँ की पार्किंग व्यवस्था अच्छी हो, और ये सभी पर हमारा फोकस रहेगा। बाकी चिकित्सकों के बैठने की व्यवस्था और अस्पताल में जो भी कार्यालय हो, भी सभी उचित ढंग से काम करें, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। सर अभी ये टोकन मशीन आई है, बता रहे हैं टोकन मशीन से कैसी क्या सुविधा रहेगी उससे? हाँ, जिला अस्पताल भिंड में QMS एक रहता है, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, इसको इंस्टॉलेशन हुआ है और शीघ्र ही अब सभी मरीजों को एक टोकन व्यवस्था के अंतर्गत गुजरना पड़ेगा, जिसमें मरीजों को लाइन में धक्का मुक्की करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो अपना एक टोकन प्राप्त करेंगे, टोकन पे एक नंबर और समय आएगा, उस टोकन को लेकर बैठेंगे, और जो चार लाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर हैं वहाँ पर जिसका भी नंबर जिस काउंटर पे आएगा वो उस पर अपना पर्चा बनवाए, और उस पर्चे पे पहले ही इंगित हो जाएगा कि वो किस मेडिसिन में जाना है, PDM में जाना है, ऑर्थोपेडिक में जाना है, किस विभाग से संबंधित समस्या है, तो उस विभाग के जो चिकित्सक है वहाँ पर उसका टोकन नंबर फ्लैश हो जाएगा, और वहाँ पर जैसे जैसे वो बैठेगा उसका नंबर आएगा, जिस बैंक में व्यवस्था होती है उस प्रकार से यहाँ भी अपने आप नंबर का इंतजार करेगा बैठ के, और नंबर आने पर दिखा के वो जा सकता है। जैसे टोकन जैसे किसी ने लिया, टोकन के लिए लाइन भी लगेगी सर? काफ़ी बड़ी लाइन भी होगी? टोकन विदिन सेकेंड्स, 2 से 3 सेकेंड का भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कोई चार्ज भी है उसका? क्या कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क व्यवस्था है, जिला अस्पताल की व्यवस्था रहेगी जो भी शासन की ओर से प्रदाय की गई है, और इसमें बस आपको टच स्क्रीन पर मरीज को टच करना है, उसका टोकन नंबर बाहर आ जाएगा। 1 से 2 सेकेंड का समय लगेगा और वो टोकन लेकर अपनी जगह पर मरीज को टच करना पड़ेगा सर? मरीज स्वयं भी टच कर सकता है, और हमने 2 हेल्प डेस्क पर उसके लिए सहायता के लिए बैठाए हैं, एक लड़का और एक लड़की, जो मदद भी करेंगे अगर किसी को समस्या आ रही है, जो कुछ अशिक्षित हैं या फिर जो लोगों को समस्या आ रही है टोकन लेने में, उनके लिए वो निकाल कर भी देंगे।